टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑन पल्मोनरी स्टेनोसिस। जिस तरह हमने कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस शुरू किए थे, जिसमें फिर हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स जो है वो शुरू किए थे, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट्स में हमने को इरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा वो डिस्कस किया था, और एओर्टिक स्टेनोसिस जो ये दोनों हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो द वर्ड पल्मोनरी इज फॉर पल्मोनरी आर्टरी एंड द वर्ड स्टेनोसिस मीन नेरोइंग। अब पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वॉल में अगर नेरोइंग हो जाए या स्टेनोसिस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस। यू नो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को सप्लाई करता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स, एंड पल्मोनरी वॉल जो है ये उस ड्यूरिंग सिस्टोल या ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल ये जो है ये इस ब्लड को अलाउ करता है टुवर्ड्स द लंग्स विद इन पल्मोनरी आर्टरी। फ्रेंड्स, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस की काजेज की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे काजेज हैं, लेकिन जो इसका मेन काज है वो है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ते भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट से तो हमारा मेन फोकस उस पर होगा। उसके बगैर इसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन है तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, मेडिकेशन एंड सो मेनी अदर रीज़न, कुछ सिंड्रोम है उसकी वजह से भी हो सकता है, सो मेनी अदर रीज़न है, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी अच्छा जो जिस तरह एओर्टिक स्टेनोसिस जब हम पढ़ रहे थे तो उसके सब टॉपिक्स थे वल्वुलर, सब वल्वुलर एंड सुप्रा वल्वुलर। इसी तरह हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है। वल्वुलर में अगर पल्मोनरी वॉल में नेरोइंग हो जाए तो उसको हम कहेंगे वल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। सब वल्वुलर में बिलो द पल्मोनरी वॉल, अगर इस वॉल के बिलो टुवर्ड द वेंट्रिकल अगर ये हो जाए तो उसको हम कहते हैं सबवल्वुलर। सबवल्वुलर जो है ये हमारे पास यहाँ पर एक फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स का एक रिंग होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी रिंग। बेसिकली वो रिंग जो है वो नैरो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबवल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। एंड सुप्रा वल्वुलर जो है ये अबोव द वॉल होता है, लाइक ये यहाँ पर अगर इस रीजन में अबोव द वॉल अगर हमारे पास नेरोइंग हो जाए पल्मोनरी आर्टरी में तो उसको हम क्या कहेंगे, सुप्रा वल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। अच्छा, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है हमारे पास ये वल्वुलर होता है। ठीक है, मीन कि वॉल में अगर स्टेनोसिस हो जाए, नेरोइंग हो जाए। जो सब वल्वुलर एंड सुप्रा वल्वुलर है ये इसके रिजल्ट में हो जाते हैं। अगर वल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो उसके साथ चांसेस है कि सब वल्वुलर एंड सुप्रा वल्वुलर डिफेक्ट भी हो। सब वल्वुलर एंड सुप्रा वल्वुलर जो स्टेनोसिस है ये ज्यादा कॉमन होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, वो भी एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये उसमें बहुत कॉमन होता है, लेकिन ज्यादातर कॉमन जो होता है वो वल्वुलर होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी पल्मोनरी स्टेनोसिस की अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वो कुछ यूं है कि अगर हम पहले इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें सर्कुलेशन की, तो यू नो यहाँ से ब्लड लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में, एंड लेफ्ट आर्टरियम से टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा टुवर्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अपर बॉडी एक्सट्रीमिटीज, हेड, ब्रेन एंड टुवर्ड द थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा टुवर्ड द एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। फिर जो है वो बॉडी ऑक्सीजन यूज करके जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम इंफीरियर साइड ऑफ सुपीरियर साइड ऑफ द बॉडी वो आते हैं थ्रू सुपीरियर वेना केवा, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज से वो एंटर हो जाता है थ्रू इंफीरियर वेना केवा इन राइट आर्टरियम। अब राइट आर्टरियम से ये ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से
ये हम नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स। लेकिन हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, मीन कि जब नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई डिफेक्ट कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पर डिफेक्ट क्या है कि जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वॉल जो है वो नैरो हो गया है। तो क्या होगा, जब यहाँ से सुपेरियर वेना केवा से ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में, सो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा ड्यूरिंग सिस्टोल तो ये ब्लड जो है इसको पुश करेगा टुवर्ड द पल्मोनिक वॉल। लेकिन अगर पल्मोनिक वॉल जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, नैरो है, तो ये ब्लड जो है ये इसके अगेंस्ट वॉल जो है इसके अगेंस्ट हमारे पास प्रेशर सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा। उसकी वजह से ये ब्लड जो है ये एक्युमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा इन राइट वेंट्रिकल। सो अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल में हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस इंक्रीज होने की वजह से अमाउंट ऑफ हार्ट इंक्रीज होने की वजह से हार्ट जो है ये ओवर एक्टिव हो जाएगा और फोर्सफुली इसको कंट्रैक्ट या इसको इस ब्लड को निकालने की कोशिश करेगा, तो इसका बीट और फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ये जो राइट वेंट्रिकल के ये जो मसल्स हैं इसका साइज जो है ये इंक्रीज हो जाएगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अल्टीमेटली जब ये प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो ये बैक इस तरफ राइट आर्टरी में भी प्रेशर इंक्रीज होगा और राइट आर्टरी भी हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा, इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा जो है इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आगे रास्ता जो है वो क्लोज्ड है, तो ये सारे का सारा ब्लड जो है वो पीछे जमा होता जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास इंफीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं। अगर हम टुवर्ड्स द लंग्स बात करें तो देखिए यहाँ पर नैरोइंग है, स्टिनोसिस है, तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जो है वो पास नहीं होगा टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि ये जो इसकी सिवियरिटी है वो कितनी है, लाइक मॉडरेट है, माइल्ड है या मोस्ट सिवियर है। फिर इसकी साइज पर भी डिपेंड करता है कि ये जो नैरोइंग है इसका साइज कितना है, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले है हमारे पास मर्मर। यू नो मर्मर इज द एबनॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट जो हम एस्कल्टेट कर सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। पल्मोनिक स्टिनोसिस में जो मर्मर होगा वो उसकी लोकेशन जो है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल ये राइट साइड पे और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जब हम स्थित रखेंगे तो हमारे पास एक नॉर्मल साउंड जो है वो सुनाई देगा जिसको हम कहते हैं, और ये जो साउंड होगा ये वूजिंग लाइक होगा क्योंकि जो स्टिनोसिस नेरुन की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पर फ्लो करेगा, तो उस प्रेशर की वजह से जो मर्मर क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं वूजिंग मर्मर। दूसरा हमारे पास फिटीग होगा ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स में नहीं जा रहा, प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, तो जब और स्पेशली जब ये बंदा ये पेशेंट जो है ये एक्टिविटी करेगा या एक्सरसाइज करेगा तो इस दौरान इसको फिटीग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो है वो टूवर्ड्स लंग्स नहीं जा रहा, लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाएगा और बॉडी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए वो ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो सांस लेगा, तो हमारे पास टिकिपनिया होगा, डिस्पनिया होगा और शॉर्टनेस ऑफ
ब्रेथ होगा। चेस्ट पेन इज आल्सो ड्यू टू हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन हो जाएगा और कोरोनरी आर्टरी से जब ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द हार्ट मसल्स तो उसमें भी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो होगा। सो इस हाइपोक्सीमा की वजह से जो चेस्ट पेन है वो इलाज हो जाएगा। फेंटिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा इसमें। तड़े हमारे पास अर्थोपनिया, वर्ड अर्थोपनिया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इन लाइंग पोजिशन। जब ये पेशेंट लाइंग पोजिशन में होगा, लेटे रहेगा, तो उस लेटे की पोजिशन में इसको डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा, इन दोनों में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सारा वीनस सिस्टम है उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा। जो वेन्स है लोअर एक्सट्रीमिटीज में उसमें प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास एडिमा होगा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। लेकिन ये तब होगा जब ये पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, ड्यू टू ग्रेविटी इसका प्रेशर जो है वो टूवर्ड दी अर्थ जो है वो इंक्रीज होगा या लोअर एक्सट्रीमिटीज में इसका प्रेशर इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली इसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा हो जाएगा। जब ये पेशेंट लाइंग पोजीशन में होगा, जब ये लेटेगा तो इस लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ से इस ब्लड का फ्लो जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी ये इंक्रीज हो जाएगा एंड इस इंक्रीज ऑफ ब्लड टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी इसकी वजह से हमारे पास जो लंग्स हैं इस लंग्स में हमारे पास एडिमा क्रिएट हो जाएगा और उस एडिमा की वजह से अर्थोपनिया, क्योंकि ये लाइंग पोजीशन में है और लाइंग पोजीशन होने की वजह से वो सारे का सारा फ्लूइड जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी आ गया और ये लंग्स में वो एक्युमुलेट हो गया, तो इसलिए लाइंग पोजीशन में पल्मोनरी स्टेनोसिस पेशेंट को अर्थोपनिया होगा। पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट इट्स ड्यू टू लिवर पोजीशन। यू नो लिवर से जो हमारे पास हेपेटिक वेन है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करके लिवर उसको फ्लो करता है टुवर्ड द हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक वेन जो है उस ब्लड को शामिल करवा देता है इन इंफीरियर वेना केवा। अब देखें यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज है तो अल्टीमेटली हमारे पास हेपेटिक वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हेपेटिक वेन में प्रेशर इंक्रीज होगा सो लिवर में हमारे पास कंजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उस कंजेशन की वजह से क्या होगा हेपेटोमेगाली, सो लिवर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें पेन होगा। लास्ट है हमारे पास एलिवेटेड जेवीपी। सो जेवीपी मीन जुगुलर वेन प्रेशर। यू नो जुगुलर वेन जो है वो फ्रॉम सुपीरियर साइड वो ब्लड को लेके आता है इन सुपीरियर वेना केवा। सो सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज है तो ऑब्वियसली हमारे पास जुगुलर वेन जो है उसमें भी प्रेशर इंक्रीज होगा। सो इसलिए एलिवेटेड जेवीपी, जेवीपी जो है ये जुगुलर वेन प्रेशर जो है ये नॉर्मली हमारे पास अबाउट 6 mm ऑफ HG होता है, लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस में ये अबव 8 mm ऑफ HG ये चला जाता है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट एंडोकार्डाइटिस, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है इसका जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये फोर्सफुली वर्क कर रहा है, उस फोर्सफुली वर्क की वजह से इसमें जो एंडोकार्डियम लेयर उसमें टीयर्स आ जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कॉमन हो जाता है। सो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो है एंडोकार्डियम लेयर में वो हो जाता है। एरिथमिया होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो अभी हमने डिस्कस की कि यहाँ पर जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। एडिमा भी हमने डिस्कस किया कि इंफीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज होगा, सो ऑल सिस्टेमिक वेनस सिस्टम जो है इसमें प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एडिमा हो जाएगा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। और लास्ट में जाके हमारे पास क्या होगा हार्ट फेलर।
तो ये देख कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें सो ये जो है डायग्नोसिस जो है इसका, ये डिपेंड करता है एक तो एज पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर पल्मोनिक स्टिनोसिस की जो पेशेंट्स होते हैं वो न्यू नेट्स में वो बहुत कम जो है वो डायग्नोज होते हैं। क्यों दूसरी बात ये कि साइज पर भी डिपेंड करता है, अगर न्यू नेट्स में इसका साइज जो है वो इंक्रीज है इस नर्वोइंग का सो ये न्यू नेट्स में भी डायग्नोज होगा। लेकिन अगर न्यू नेट्स में इसका साइज जो है नर्विंग का वो डिक्रीज है सो फिर उसके बाद अबाउट 10 एज पर इसका उम्र होगा जब, तो उस टाइम पर इसका पल्मोनिक स्टिनोसिस जो है वो डायग्नोज होगा। और ज़्यादातर पल्मोनिक स्टिनोसिस के पेशेंट जो है वो अबाउट 10 ईयर्स या अबाउट द 10 ईयर ऑफ एज जो है वो डायग्नोज हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास साइन सिम्टम्स भी हम देखते हैं डायग्नोसिस के लिए, फिर ECG में हम यही राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है इसकी हाइपरट्रॉफी देखते हैं, साइज देखते हैं, इसकी कंट्रैक्शन पावर देखते हैं, इकोकार्डियोग्राम एंड कार्डिक कैथेटराइजेशन। सो कार्डिक कैथेटराइजेशन में इस तरह किया जाता है कि थ्रू कैथेटर जो है यहाँ पर कुछ डाई कलर्स जो है वो पास किया जाता है, वो यहाँ पर जब वो कलर आ जाता है तो इसका इमेज बना देता है इन एक्सरे। सो उसमें बिल्कुल साफ जो है वो नज़र आता होता है कि किस जगह में नर्विंग है। सो ये था इसका डायग्नोस। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो भी डिपेंड करता है एज पर, पेशेंट कंडीशन पर, ठीक है। फिर हमारे पास वर्गुलर है, सब वर्गुलर है या सुपर वर्गुलर है, इस पर भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट में जाके जब ये सिवियर होना लगता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक नॉन सर्जिकल और दूसरा है हमारे पास सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हमारे पास बलून वर्बोप्लास्टी, सो बलून वर्बोप्लास्टी मीन के थ्रू कैथेटर फ्रॉम फ्यूमरल आर्टरी ये कैथेटर जो है वो पास किया जाता है विद बलून, एंड वो बलून यहाँ पर आके उसको इस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और ये वेसल जो है इसको ओपन किया जाता है, सो यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है वो फिर इजीली हो जाता है। दूसरा है हमारे पास पल्मोनरी वाल रिप्लेसमेंट। सो अगर ये वल्वुलर है और ये वाल जो है ये बिल्कुल इसके जो कस्प्स हैं वो बिल्कुल फ्यूज हो गए हैं, तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या किया जाता है, पल्मोनरी वाल रिप्लेसमेंट, इस वाल को बिल्कुल रिप्लेस किया जाता है, इस वाल को रिमूव करके इसकी जगह आर्टिफिशियल वाल जो है वो लगाया जाता है। फ्रेंड लास्ट में अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो फिर वही बात डिपेंड करता है कि साइज कितना है, पोजीशन क्या है, एज क्या है, फिर माइल्ड है, मॉडरेट है या अगर हमारे पास सिवियर है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है चांसेस ऑफ रिकवरी वो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम आफ्टर सर्जरी देखें तो बलून वर्बोप्लास्टी जो है ये इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लेटर एज में जाके इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो इराइज होने लगते हैं, लाइक मिटर वाल रीगर्गिटेशन और पल्मोनरी वाल रीगर्गिटेशन जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरा अगर हम पल्मोनरी वाल रिप्लेसमेंट की देखें तो इसमें भी यही प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आफ्टर इसकी सर्जरी जब की जाती है, रिप्लेस किया जाता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स इसकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ जाती है ताकि वो फ्लेप्स जो है उसको दोबारा कवर किया जाए। तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो फिर भी हमारे पास इसकी मोर्टिलिटी रेट जो है वो लेस देन 1% है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट पल्मोनिक स्टिनोसिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पल्मोनिक स्टिनोसिस एंड एओर्टिक स्टिनोसिस में डिफरेंसेस क्या है। थैंक यू सो मच।